जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे कौन न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो हम जो एक एपेक्स पैन कार्ड सर्विस जो वेबसाइट था उसके बारे में सिर्फ आपको आईडी बना करके दिखाए थे, पैन कार्ड किस तरह से बनाना है इसको नहीं बताए थे, इसमें किस तरह से अप्लाई करना है इसको बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं, किस तरह से पैन कार्ड अप्लाई करना है और एक पैन कार्ड बनाने का कितना उसमें खर्च आता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको एपेक्स पेन सर्विस पर लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेड जो लिंक है उस पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दो फॉर्म मिलेगा करेक्शन करने का और साथ में जो है नया फॉर्म डालने का। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसे ओपन करते हैं। तो फर्स्ट वाला को ओपन करके दिखाते हैं, ये जो है हमारा जो नया पैन कार्ड अप्लाई करेंगे उसका फॉर्म है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको भर कर ही आपको पेन को अप्लाई करना है। इसके बाद हम दूसरे में चलते हैं, दूसरा में जो है करेक्शन वाला है। तो ये जो है ये फॉर्म है करेक्शन का है, इसको देख लेना, आप इसको भी देख करके भर सकते हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड हो गया, हम ओपन कर लेते हैं। तो ये भी कुछ उसी प्रकार है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पेज है। इसके बाद चलते हैं हम सीधा डायरेक्ट अपना जो है डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं और साथ में जो है यहाँ पर एड अमाउंट करके दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर पेपरलेस पैन कार्ड में कितना पैसा लगता है इसको आप देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमको जो है ई पेन भी चाहिए और फिजिकल जो पेन है वो भी चाहिए। तो उसके लिए देखो यहाँ पर 130 रुपये बोल रहा है। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, पहले ऐड मनी पर जाते हैं और ऐड मनी पर जा करके जो है यहाँ पर अमाउंट डाल लेते हैं अपना, जितना डालना है, मतलब 130 रुपये है तो 130 रुपये ऐड करेंगे और यहाँ पर QR को हम सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है एक QR जनरेट होगा, इसको आपको उसके बाद यहाँ पर चल देते हैं UPI और UPI के बाद यहाँ पर QR जनरेट कर लेते हैं और इस पर जो है पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट के बाद थोड़ा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के बाद जो अपना पेमेंट है जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग यूअर पेमेंट कर आ चुका है। तो थोड़ा शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, लग तो ऐसा ही रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू, यहाँ पर पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पर चले जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर पेमेंट ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 130 रुपये जो है ऐड हो गए। अभी हमारा पेपरलेस जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे डिटेल जो है आपको पहले इंडिविजुअल ही चुनना है और यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। अगर एक नाम है तो आपको लास्ट नेम में डालना है, अगर फर्स्ट नेम और सरनेम भी है तो फर्स्ट नेम में डालेंगे और लास्ट नेम में अगर किसी का मिडिल नेम भी है तो मिडिल नेम वाला में डालेंगे। अगर सिर्फ एक नाम है तो आपको जो है लास्ट नेम पर डालना है। तो ये सारे डिटेल को मैं पहले भर लेता हूँ, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो कस्टमर है उनका नाम डाल लेता हूँ और उसके बाद जो है मिडिल नेम इनका नहीं है तो मिडिल नेम को छोड़ देंगे और उसके बाद जो है लास्ट नेम आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर लास्ट नेम डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लास्ट नेम डाल लेने के बाद आपको यहाँ पर देखो दिखाई देने लगेगा जो नेम ऑन पेड कार्ड पर जो है लिखा है, वहाँ पर आपको जैसा आपका आधार कार्ड में नाम है उसी तरह यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। तो इतना लिख लेने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का दिया गया है तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है कस्टमर का, जो भी कस्टमर या फिर अपना खुद का बना रहे हैं। तो यहाँ पर डाल लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करने को बोला गया है। तो यहाँ पर अपना जेंडर जो भी है, आप किसी महिला का बना रहे हैं या पुरुष का उसका जो भी है आप अपना सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर हमारे में मेल है तो मेल कर लेते हैं। उसके बाद उसका फादर का लास्ट नेम है तो यहाँ पर लास्ट नेम देखो भरना है पहले। तो यहाँ पर लास्ट नेम भर लेते हैं, ये तो फर्स्ट नेम आ जाएगा तो इसे पहले फर्स्ट नेम को भर लेते हैं हम लोग जो है फादर फर्स्ट नेम मिडिल नेम। तो यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जो है फादर का लास्ट नेम आ जाएगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर फादर का जो है फर्स्ट नेम बीच में आ जाएगा, मतलब दूसरे वाले कॉलम में, और तीसरे वाले कॉलम में जो है उनका अगर कोई मिडिल नेम है तो वो आ जाएगा। यहाँ पर जो है नेम भर लेते हैं उनका क्या नाम है उनको, उसके बाद यहाँ पर मिडिल नेम भर लेते हैं। मिडिल नेम में जो भी कुमार राम या कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर या नहीं हुआ है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर है तो आधार नंबर को आपको देखो, यहाँ पर सभी डिटेल को आपको बढ़िया से डाल लेना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आधार कार्ड का जो है नंबर को डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है। जहाँ जहाँ पर स्टार का चिन्ह पड़ा है
वहाँ पर आपको भरना ज़रूरी है, उसके बिना आगे बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पर आधार नंबर हो गया, उसको मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद यहाँ पर फिर से नेम आ जाएगा उनका, तो यहाँ पर मिडिल नेम है, यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया, तो कस्टमर का मोबाइल नंबर ही डालना, क्योंकि कस्टमर अगर कभी भी उनका गुम जाता है पैन कार्ड वगैरह या कुछ भी हो जाता है, तो कस्टमर अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए ही डाउनलोड कर सकेगा। मतलब जो नंबर दिया रहेगा उसमें OTP आएगा, और OTP आने के बाद वो अपना जो है कहीं से भी डाउनलोड करवा सकता है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद या तो फिर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल लेना या फिर कस्टमर का, क्योंकि कस्टमर के पास नहीं होता तो यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना, जिससे कि क्या होगा जो ई पेन है वो आपके मेल में आ जाएगा, तो आप उनको प्रिंट आउट या फिर अगर कुछ मांगता है तो आप दे सकते हैं यहाँ से। वैसे नहीं मांगता, लेकिन मैं जो हूँ अपने कस्टमर को जो है प्रिंट आउट देता ही देता हूँ। तो यहाँ अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर फ्लैट हाउस नंबर वगैरह दिया गया है, इसको भी भर लेते हैं। तो पहले ईमेल एड्रेस को बढ़िया से भर लेते हैं। तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस हो गया, यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, फ्लैट रूम डोर ब्लॉक नंबर। यहाँ पर जो है हाउस नंबर आपको डाल लेना है, अपना जो भी मोहल्ला या कुछ भी लिखते होंगे उसको डाल लेना है। उसके बाद दूसरा में आ जाएगा आपका जो है विलेज, मतलब जो भी आपका गांव या शहर जो वहाँ भी रहते हैं उनका यहाँ पर भर लेना है आपका एड्रेस को। यहाँ पर पहले हम उनका जो है गली नंबर और मकान नंबर वगैरह भर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर विलेज में डाल लेते हैं अपना जो भी विलेज है उनका। तो अपना जो कस्टमर का विलेज है उनको डालना है, तो यहाँ पर डाल लेना है अपना जो कस्टमर का विलेज है उनको डाल लेना है। उसके बाद फिर से कंफर्म करना है कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसको डालना है दूसरे में। उसके बाद जो है आपका तालुका हो जाएगा या सब डिस्ट्रिक्ट ये हो जाता है, मतलब तहसील वगैरह है उसको डाल लेना है आपको। उसके बाद आ जाएगा आपका टाउन सिटी, तो यहाँ पर सिटी आपको डाल लेना है अपना जो भी सिटी है जो या कस्टमर का सिटी है। उसके बाद अपना जो है यहाँ पर राज्य चुन लेना है, तो उसके बाद अपना पिन कोड डाल लेना है जो पिन कोड होता है उसे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पूछा जाएगा नॉर्मल बनाना है या माइनर का बनाना है, तो हमारा नॉर्मल बनाना है। उसके बाद यहाँ पर सिटी चुनने के लिए दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग अपना सिटी चुन लेते हैं जो भी अपना सिटी है उसे। तो यह हमारा सिटी चुन लेना है आपको, देखो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके जो है मिल जाएगा, स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके बाद एरो कोड है यहाँ पर, इसको देखो पहले अगर कोई और कस्टमर का किसी को बनाया होगा तो ये सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप अपना क्रोम से सर्च करके निकाल लेना। तो यहाँ पर मेरे को पहले से पता है, यहाँ पर मैं इसे थोड़े से बाद में डाल लेता हूँ। पहले यहाँ पर कंफर्म कर लेना सभी में आधार कार्ड को, आपको जो है पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड चुनना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड, और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में भी आधार कार्ड चुन लेना। उसके बाद इसको भर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पता है इसके बारे में। तो यहाँ पर अब देखते हैं एक बार, बिलासपुर चुनते हैं फिर से अपना डिस्ट्रिक्ट जो ज़िला है जो उसके चुनते हैं। अगर आता है एरो कोड वगैरह और नहीं आया तो कोई बात नहीं, हमको पता है तो हम यहाँ पर डाल लेंगे। और यहाँ पर देखो बोला गया जो फाइल है, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एक फॉर्म है उसे भर कर ही आपको यहाँ पर स्कैन करके रख लेना है, उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर सबमिट करेंगे, देखो एरो कोड बिना ही यहाँ पर सबमिट नहीं हो रहा है, तो एरो कोड हम आप लोगों के ज़रूरी है। तो अपना पता कर लेना किसी भी इस तरह से, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो आ ही जाता है एरो कोड वगैरह सब चीज़, यहाँ पर जो डिटेल है वो सभी आ जाता है। तो यहाँ पर हमको पता है तो यहाँ पर डाल लेते हैं पहले हम लोग, तो यहाँ पर एरिया कोड डाल लेते हैं अपना जो भी है, और यहाँ पर AB टाइप जो भी आपका दिया गया है यहाँ पर आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि इसके ज़रिए आपका जो पैन कार्ड है वो आपके कस्टमर के एड्रेस में जाता है। तो यहाँ पर आपको भर लेना है, इतना भर लेने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सबमिट किए, सबमिट के बाद थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद शायद कुछ फॉर्म दिया होगा। हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से जो है आप कस्टमर को भी दे सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। तो हम इसे पहले तो PDF में सेव करके रख लेंगे, क्योंकि कस्टमर हमारा जो है अभी पेमेंट नहीं किया है, ये हम सिर्फ अभी देखने के लिए बना रहे हैं, इसमें हमें कस्टमर से पेमेंट अभी नहीं लिया है। उसके लिए तो आपको सेव करके रख लेना है, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो ये काम आता है। तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ अप्लाई किस तरह से किया हूँ इसको आपको बताया हूँ मैं। आने वाले वीडियो में आप अगर वो जो पैन कार्ड है अगर आता है तो आपको वीडियो से मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा।
क्योंकि जैसे ही हमारा पैन कार्ड आता है तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।